हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैंने पिक किया है मेजगांव डॉक शिप बिल्डर स्टॉक को। अब इस स्टॉक को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और डिफेंस सेक्टर अभी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। अब इसके पीछे क्या न्यूज़ है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की है, तो उससे रिलेटेड भी सभी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस रेशो से ये स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, क्या उसकी रिकॉर्ड डेट है, देन कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी देखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, रिटर्न रेशोज कैसे हैं, क्या नियर टर्म टारगेट लेवल हो सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, इसको डिटेल में देखिए। और अगर आप खुद शेयर्स की एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए या आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है, तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन मिलेंगे, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले हम स्मॉल में इस कंपनी के बारे में अगर समझ लें तो मेजगांव डॉक शिपयार्ड, तो जैसा कि हमें मालूम है डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, डिफेंस PSU है, और ये कंपनी सभी तरीके के शिप, चाहे वो वॉरशिप हो या सबमरीन हो या फिर मर्चेंट शिप हो, उनकी डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है, आउटसोर्सिंग करती है, ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके के डिफेंस सेक्टर को सभी ये अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस अगर हम स्टॉक की बात करें तो मल्टीबैगर स्टॉक है, काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के इसने दिए हैं अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को। देन अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें, सिर्फ इस साल की बात करें अब तक, तो यहाँ पे कंपनी ने मार्च में अपना 52 वीक्स का लो बनाया था, जहाँ पे ये स्टॉक 1797 के आसपास पहुँच गया था। करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4800 के आसपास और ये काफ़ी नीचे गिर गया था। देन उसके बाद सेम ईयर इसी साल जुलाई में इस स्टॉक ने अपना हाई भी बनाया था, जहाँ पे ये स्टॉक 5800 के आसपास भी पहुँचा था। और तब से अब तक बात करें तो लास्ट 3 to 4 months में इसमें 30% के आसपास की करेक्शन भी देखने को मिली है, लेकिन अब इस स्टॉक ने फिर से चलना स्टार्ट किया है और आने वाले टाइम में ये होप है कि ये स्टॉक आगे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ऐसी क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है, ये स्टॉक जो है काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर DAC मीन्स डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 21,772 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है। इस न्यूज़ के आने के बाद डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। इस न्यूज़ के बाद मेजगांव डॉक के स्टॉक में भी 5% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था, तो इसकी वजह से ये जो सेक्टर है वो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। उसके बाद जो सेकेंड न्यूज़ है कि इस कंपनी ने अपना स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है। तो यहाँ पे इसने अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 1:2 के रेशो से, मींस एक शेयर जो है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, बच जाएगा, एंड उसी के प्रोपोर्शनेट इसकी शेयर प्राइस भी हाफ हो जाएगी। तो अगर एक स्टॉक है तो दो बन जाएंगे, और शेयर प्राइस सपोज अगर आज ही ट्रेड कर रहा है 4800 पे, तो वो हाफ होके हो जाएगा 2400 के आसपास। तो ये इनकी स्प्लिट के बाद इसकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी, इट मीन्स जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, तो अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है इसमें तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। लेकिन इससे स्टॉक स्प्लिट के काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, लाइक शेयर प्राइस कम होने की वजह से जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, तो ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, तो इसकी वजह से ज़्यादा ट्रेडिंग होने की वजह से शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो स्टॉक स्प्लिट इसको 1:2 से की रेशो से यहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे इनकी फेस वैल्यू पहले 10 रुपीज़ की थी, वो ब्रेक होके अब 5 रुपीज़ की हो जाएगी, एक शेयर दो शेयर बन जाएंगे, एंड जैसा मैंने आपको बताया शेयर प्राइस इसका एडजस्ट होकर हाफ हो जाएगा। अब इसकी रिकॉर्ड डेट की बात करें तो इसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस की है 27 दिसंबर, मींस 26 दिसंबर तक जिनके पास भी ये स्टॉक है तो उन सभी को इस स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। तो जिनके पास है उनको ये बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं है तो 26 दिसंबर का अगर आप ये स्टॉक खरीद के रख लेते हैं तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, इस आप भी शेयर होल्डर कैटेगरी में आ जाएंगे और आपको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। तो ये स्टॉक स्प्लिट की डिटेल्स थी। अब हम कंपनी के परफॉर्मेंस की अगर बात करें कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो पहले मैंने आपको बताया था मल्टीबैगर स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रही हैं, और अगर हम इसके और ज़्यादा फाइनेंशियल्स की अगर बात करें कि रिटर्न रेशोस वगैरह कैसे हैं इस कंपनी के, तो करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4879 पे। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो 98448 का है। PE रेशो आप देखेंगे इसका तो 38.3 का है। तो अगर इसके हम
पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो पीयर्स में अगर पीई रेशियो देखेंगे तो 53 का है इसका पीयर का पीई रेशियो और इसका पीई रेशियो है 38 का। तो काफ़ी अच्छे वैल्यूशंस पे ये कंपनी जो है वो दिखाई दे रही है, साथ ही सेक्टर लीडर कंपनी भी है। और इसके कुछ पीयर्स की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिसर्च, ये सब इनके जो है वो पीयर्स हैं। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो कंपनी का ROCE 44.2% का है, ROE 35.2% का है, तो काफ़ी अच्छा है, 15% से अबव है तो अच्छा साइन है। डेप्ट इक्विटी रेशियो कंपनी का देखेंगे तो जीरो का, मीन्स कंपनी डेट फ्री है, तो काफ़ी अच्छा साइन है। कंपनी का 52 वीक्स का हाई और लो देखेंगे तो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसने अपना लो बनाया था मार्च में 1795 पे, फिर जुलाई में इसने अपना हाई भी बनाया था और अभी आप फेस वैल्यू उसका 10 देख रहे हैं, आफ्टर स्प्लिट जो है ये 5 रुपीज़ हो जाएगा। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो सेप्टेम्बर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके क्वार्टर रिजल्ट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहाँ पे सेप्टेम्बर 23 में 1,823 करोड़ का इनका सेल्स था जो बढ़ के 2,757 का हो गया है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा, जहाँ पे सेप्टेम्बर 23 में 333 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था जो इस क्वार्टर में जो है करंट सितंबर 24 के क्वार्टर में इनका 585 का हो गया है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर तो घटा है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस होता है देखना वो होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होना चाहिए जो हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कंपनी का देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। कंपनी के सेल्स में आपको लास्ट आप 3-4 ईयर्स से अगर आप देखते आओगे तो सेल्स में मार्च 22, 23, 24 आप देखते आइए तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी ने की जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम कंपेयर करें लास्ट 2-3 ईयर से तो जहाँ पे मार्च 22 में 611 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है जो अब इस साल बढ़ के जो है 1,937 करोड़ का हो गया है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को इनके प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो करेंटली ट्रेडिंग 12 मंथ्स में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 94% का है और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 34% का करेंटली इनका सेल्स ग्रोथ है। तो हर एंगल से कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर चाहे आप कंपनी के रिटर्न रेशोज़ देखो तो काफ़ी इंप्रेसिव हैं, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, सेल्स इंक्रीजिंग है, नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा दे रही है, तो सभी एंगल से कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। तो अब ऐसे में इस कंपनी में फर्दर हम क्या कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ये एक ऐसी कंपनी है जिसे लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स होल्ड करके रखा जा सकता है और न सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, इनफैक्ट ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी इसको यूज हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, मल्टीबैगर रिटर्न इसने बना के दिखाए भी हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि नियर टर्म में ये स्टॉक क्या लेवल टच कर सकती है। करेंटली ये ट्रेड कर रही है 4,879 पे और मेरी नॉलेज के बेसिस पे ये स्टॉक आने वाले टाइम में 5,100 से लेके 5,450 एंड देन 5,875 तक का रेजिस्टेंस लेवल टच कर सकती है, वहाँ से रिवर्सल ले सकती है। और नीचे ये स्टॉक जो है वो 4,750 से लेके 4,340 तक का लेवल टच करके वहाँ से रिबाउंड कर सकती है। तो मेरे एनालिसिस के बेसिस पे ये नियर टर्म इसके टारगेट लेवल हो सकते हैं। अगर आप भी इसमें कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं तो अपनी एनालिसिस ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें। तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे ऑफकोर्स आप होल्ड करके रख सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन भी इस कंपनी में आया है, अगर आपके पास है तो आप उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर नहीं है लेना चाहते हैं तो 26 दिसंबर तक इसको बाय करके रख लीजिए तो आपको भी इसके स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। तो ये इसका डिटेल वीडियो था, होप करती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो इसे एक लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।